गाजीपुर का मिश्र बाजार समेत अन्य इलाके कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर गाजीपुर में कोरोना संक्रमण का विस्फोट देखने को मिला है। गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 33 नए मामले देखने को मिले हैं। इससे पहले शनिवार को कोरोना के 8 मामले मिले थे। रविवार को गाजीपुर में मिले कोरोना संक्रमण के नए मामलों में से अधिकतर मिश्र बाजार में देखने को मिले हैं। रविवार को गाजीपुर में मिले 33 मामलों में से 10 को छोड़ दें तो बाकी 23 केस मिश्र बाजार से जुड़े हुए हैं। आइए आपको विस्तार से इन मामलों की जानकारी देते हैं। मिश्र बाजार में मिले नए रोगियों की उम्र 17 साल से लेकर 62 साल तक की है। तकरीबन हर उम्र वर्ग के लोग मिश्र बाजार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन रोगियों की पहचान रैंडम सैंपलिंग से की गई है। वहीं आपको बता दें कि इन 23 मरीजों में से एक चाट विक्रेता भी संक्रमित है। मिश्र बाजार के अलावा गाजीपुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह गाजीपुर के उपाधि में एक 45 वर्षीय शख्स, गाजीपुर के 39 साल के एक शख्स और भड़सर ब्लॉक बिरनो में 29 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा नवापुरा गाजीपुर में 2 शख्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आमघाट गांधी पार्क गाजीपुर में भी 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं एक शख्स गोसंदेपुर गाजीपुर का और एक बड़सरा गाजीपुर के भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 19 जुलाई को सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक गाजीपुर में अब तक 534 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 140 है। गाजीपुर में अब तक 14,800 से अधिक सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। इसमें 2600 से अधिक सैंपल के रिजल्ट आने अभी बाकी हैं। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।